मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 1.2 के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन है। एक तो है कि हमको किसी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होगा। अब हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ दो नंबर दे रखे होंगे और हमें इनके बीच में कुछ रैशनल नंबर निकालने होंगे। तो एक बार सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई भी दो रैशनल नंबर होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम जीरो और यहां पर हम ले लेते हैं वन। तो अगर ये एक रैशनल नंबर की नंबर लाइन है, इसमें दो नंबर हैं, तो इन जीरो और वन, इन दोनों के बीच में, ये दो रैशनल नंबर हैं, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होंगे। मतलब इन दोनों नंबर के बीच में अनगिनत नंबर हैं। मतलब इतने सारे नंबर हैं कि जो हम कभी गिन भी नहीं सकते हैं। कैसे? देखो, जीरो और वन, अब मैं जीरो को ऐसे लिख सकता हूं ना, जीरो अपॉन टेन, और मैं वन को ऐसे लिख सकता हूं टेन बाय टेन, है ना। इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ वन। तो 0 बाय 10 और 10 बाय 10, इसके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? 1 बाय 10, 2 बाय 10, ऐसे ऐसे करके जाएगा ये 10 बाय 10 तक। ठीक है, तो ऐसे 0 और 1 के बीच में मैंने अभी लेट से 9 रैशनल नंबर निकाल लिए। अब मैं 0 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 0 बाय 100, और 1 को मैं लिख सकता हूं 100 बाय 100, और इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे? इनके बीच में नंबर ऐसे चलेंगे 1 बाय 100, 2 बाय 100, और यहां पे जाते जाते यहां पर आ जाएगा 99 बाय 100। तो अब मैंने 0 और 1 के बीच में 99 रैशनल नंबर निकाल लिए। तो इसी तरीके से अगर मैं यहां पर एक जीरो और लगा दूं और एक जीरो और लगा दूं यहां पर, तो अब इसके बीच में 1000 रैशनल नंबर आ जाएंगे। अगर मैं इधर एक और जीरो लगाऊं और इधर एक और जीरो लगाऊं, तो अब इसके बीच में 10000 रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो ऐसे ही जीरो, बट ये है तो जीरो और ये है तो वन, तो ऐसे ही मैं जीरो और वन के बीच में कितने भी रैशनल नंबर बना सकता हूं, है ना। अगर मेरे को इसके बीच में 1 करोड़ रैशनल नंबर चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूंगा? जीरो को मैं 1 करोड़ से डिवाइड करूंगा इधर, और वन को भी, मतलब इधर मैं लिख दूंगा 1 करोड़ अपॉन 1 करोड़, और इन दोनों के बीच में 1 से लेकर करोड़ तक के जितने नंबर होंगे वो सारे लिख दूंगा, मतलब डिवाइडेड बाय 1 करोड़। तो ऐसे 0 और 1 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आ सकते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर का। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ ऐसा गिवन होगा, हमें दो नंबर गिवन होंगे जैसे कि 0 और 1, और हमें बोलेंगे कि इसके बीच में आप हमें 5 रैशनल नंबर बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा लिख देंगे, देखो 0 को हम लिख देंगे 0 बाय 10, 1 को हम लिख देंगे 10 बाय 10, और इसके बीच में हम कोई से भी 5 नंबर लिख देंगे। तो इनके बीच में कौन से 5 नंबर लाई करेंगे? 1 बाय 10, 2 बाय 10, 3 बाय 10, 4 बाय 10, ऐसे जाके 9 बाय 10 तक, इन दोनों के बीच में नंबर लाए करेंगे। तो ये जो 4 नंबर होंगे, हम बोल सकते हैं कि ये 0 और 1 के बीच में लाए करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसके थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं जो कि 2 से छोटे हों। ठीक है, हमें 2 गिवन है और हमें बताने हैं 5 रैशनल नंबर जो कि 2 से छोटे हों। तो रैशनल नंबर तो ऐसे कुछ होते हैं ना, यहां पर माइनस इन्फिनिटी होता है और यहां पर होता है प्लस इन्फिनिटी, यहां पर होता है जीरो, यहां पे सारे पॉजिटिव नंबर और यहां पर सारे नेगेटिव नंबर। तो ये 2 है। अब 2 से छोटे रैशनल नंबर, तो 1 एक रैशनल नंबर है जो 2 से छोटा है, 0 एक रैशनल नंबर है जो 2 से छोटा है, -1, -2 और इधर -3। तो अगर मैं ये 5 नंबर लिख लूंगा सारे, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर 2 से छोटे हैं। तो इसका आंसर सिंपल आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, अगर हमको 5 रैशनल नंबर लिखने जो 2 से छोटे, तो ये जाएगा -3, -2, -1, 0 एंड 1। ये 5 नंबर हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, तो ये 5 नंबर हैं, ये 2 से छोटे हैं। तो बस इसका सोल्यूशन यही था, हमें 5 रैशनल नंबर बताने थे जो कि 2 से छोटे हैं। तो ये 5 रैशनल नंबर हैं जो कि 2 से छोटे हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें 2 नंबर गिवन है, 2 रैशनल नंबर गिवन है, कौन कौन से? -2/5 और 1/2। और अब हमें इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर बताने हैं। तो इसको करने का देखो कुछ ऐसा तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को कॉमन बनाएंगे। तो कॉमन बनाने का क्या तरीका होता है, हम क्या करते हैं, दोनों की जो डिनोमिनेटर है ना, हम इसका एलसीएम निकालते हैं। देखो ये फेयर में नहीं करना है, ये हम रफ में करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 2, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो 2 प्राइम नंबर का एलसीएम होता है, वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। बेसिकली अगर आपको एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते, देखो हम ऐसे करते थे, 2 इंटू 1, 2 को हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1, 5 को हम ऐसे लिखेंगे 5
इंटू वन, बेसिकली दोनों नंबर को हम फैक्टराइज करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉमन नंबर है दोनों में रिपीट हो रहे हैं उसको हम एक ही बार लिखते हैं, और उसके अलावा जितने नंबर है हम उसको लिख देते हैं। तो देखो एक को हम बस एक ही बार लिखेंगे, वन इंटू टू इंटू फाइव, तो इसका क्या आएगा आंसर, वन इंटू टू यानी कि टू, टू इंटू फाइव यानी कि टेन, तो टू और फाइव का एलसीएम आ जाएगा टेन। तो अब हमको क्या करना है, हमको इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, मतलब हमको हम फाइव को भी टेन बनाएंगे और टू को भी टेन बनाएंगे, और किसके सेम बनाना होता है, एलसीएम के सेम बनाना होता है दोनों के, ठीक है। तो अगर हमको फाइव को टेन बनाना है तो हम क्या करेंगे, फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, और कभी भी हम सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हमको अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो ऊपर माइनस टू था तो ये हो जाएगा टू बाय टू इंटू टू, ठीक है, मतलब माइनस टू इंटू टू अपन फाइव इंटू टू, यानी कि ये हो जाएगा माइनस फोर बाय टेन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने माइनस टू बाय फाइव को कन्वर्ट कर लिया माइनस फोर बाय टेन में। अब हमें क्या करना है, वन बाय टू को भी इस फॉर्म में लेकर आना है, मतलब टू की जगह हमें टेन लिखना है। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, टू को अगर टेन बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइव से मल्टीप्लाई है ना, टू इंटू फाइव। अब सिर्फ डिनोमिनेटर को तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा वन इंटू फाइव, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी फाइव और नीचे आ जाएगा टेन। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, कौन कौन से, माइनस फोर बाय टेन और फाइव बाय टेन। तो अब हमारे पास ऐसे नंबर आ गए, हमने माइनस टू बाय फाइव को लिख लिया माइनस फोर बाय टेन, और वन बाय टू को हमने लिख लिया फाइव बाय टेन। अब इन दोनों के बीच में हमें दस रैशनल नंबर निकालने हैं, तो माइनस फोर के बाद क्या क्या आ जाएगा, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन टू थ्री एंड फोर। तो ये कितने नंबर हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये आठ नंबर हुए, बट हमें कितने निकालने हैं, दस। तो हम क्या करेंगे, मतलब इससे हमारा काम नहीं चलेगा सिर्फ टेन से, तो हम इसको एक और जीरो ऐड करेंगे नीचे, तो हम माइनस फोर बाय टेन को हम लिख देंगे माइनस फोर्टी बाय हंड्रेड, और फाइव बाय टेन को हम लिख देंगे फिफ्टी बाय हंड्रेड। मतलब हमने क्या किया, हमने यहां पे भी एक जीरो ऐड कर लिया, नीचे भी एक जीरो ऐड कर लिया, इसके अंदर भी हमने न्यूमरेटर के अंदर एक जीरो ऐड किया और डिनोमिनेटर के अंदर भी हमने एक जीरो ऐड किया। तो ये नंबर कुछ ऐसे बन गए। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, तो ये बन जाएगा वन बाय टू। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस टू बाय फाइव बन जाएगा। तो अब हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, इन दो नंबर के बीच में हमें दस रैशनल नंबर निकालने हैं। तो वो दस रैशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, माइनस फोर्टी बाय हंड्रेड, तो माइनस थर्टी नाइन बाय हंड्रेड, माइनस थर्टी एट बाय हंड्रेड, माइनस थर्टी सेवन बाय हंड्रेड, माइनस थर्टी सिक्स बाय हंड्रेड। अगर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे जीरो, फिर वन बाय हंड्रेड, टू बाय हंड्रेड, थ्री बाय हंड्रेड, ऐसे ही जाएंगे 49 बाय 100 तक। तो आप इन सब नंबरों के बीच में कोई से भी 10 नंबर ले सकते हो, तो वो हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। हमें 10 नंबर निकालने थे माइनस टू बाय फाइव और वन बाय टू के बीच में। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर कॉमन बनाया, कैसे, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 5 और 2 का एलसीएम आया 10, तो हमने डिनोमिनेटर को बनाया 10। डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए हमने इसको 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, और हमने इसको भी, इसको हमने 5 बाय 5 से मल्टीप्लाई किया। तो इसके बाद ये नंबर कुछ ऐसे बन गए। फिर हमने चेक किया कि इन दोनों नंबर के बीच में सिर्फ 8 ही नंबर आ रहे हैं, तो हमने नीचे एक और जीरो लगा दिया। तो नीचे एक और जीरो लगाया तो उसके साथ साथ न्यूमरेटर के अंदर भी एक और जीरो आ जाएगा, तो 4 बाय 10 बन जाएगा 40 बाय 100, है ना, 5 बाय 10 बन जाएगा 50 बाय 100। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, माइनस 40 बाय 100 और 50 बाय 100। अब इसके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर निकालने थे, तो आप कोई से भी निकाल सकते हो, मतलब माइनस 39 बाय 100, माइनस 38 बाय 100 एंड सो ऑन, और पॉजिटिव के अंदर 1 बाय 100, 2 बाय 100, 3 बाय 100, 4 बाय 100, ऐसे करके 49 बाय 100 तक ये सारे नंबर इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेंगे। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें दो नंबर गिवन है, 2 बाय 3 एंड 4 बाय 5। इन दोनों के बीच में हमें पांच रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। तो 3 को हम लिखेंगे 3 इंटू 1, 5 को हम लिखेंगे 5 इंटू 1। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू 5, जो कि हो गया 15। तो एलसीएम आ गया इन दोनों का 15। तो अब हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 15 बनाना है।
तो 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 3 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। बेसिकली देखो हमें इसको 15 बनाना था, तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15 बन जाए, तो 3 को मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि 15 बनेगा। तो 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब सिर्फ डिनोमिनेटर को तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से ये नंबर बन गया 10/15। अब हमको क्या करना है, 4/5 को भी का जो डिनोमिनेटर है उसको भी 15 बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 बन जाए, 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तभी वो 15 बनेगा। तो हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है ये बन जाएगा 12/15। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, 10/15 और 12/15। इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने थे। तो इन दोनों के बीच में तो हम एक ही नंबर निकाल सकते हैं ना, 10 और 12, इनके बीच में क्या आएगा, सिर्फ 11। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो यहां लगा देंगे, एक जीरो यहां लगा देंगे। सिमिलरली एक जीरो यहां लगाएंगे, एक जीरो यहां लगा देंगे। इसके बाद आप इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर ले सकते हो, कैसे 101/150, 102/150 एंड सो ऑन, है ना, 103/150, 104/150। तो ये 5 रैशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें दो नंबर गिवन है, -3/2 और हमें गिवन है 5/3। तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो हमें इसको 6 बनाना है नीचे और इधर नीचे 6 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3/3 से, है ना। तो ये नंबर हो जाएगा -3/3/2/3। तो ये आ जाएगा -9/6। ये जो नंबर है इसके अंदर भी हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो नीचे 6 लाने के लिए हमको 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो नंबर बनेगा ये नंबर बन जाएगा 10/6। अब हमारे पास दो नंबर है, -9/6 और 10/6, इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, ऐसे जाएंगे 5/6, 6/6, 7/6, 8/6 एंड 9/6 तक। तो ये जो जितने सारे नंबर होंगे ये -9/6 और 10/6 के बीच में लाए करेंगे। आप कोई से भी 5 रैशनल नंबर लिख सकते हो आंसर के लिए। थर्ड पार्ट के अंदर हमें दो नंबर गिवन है, 1/4 और 1/2। इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं दोनों का। तो 4 है और 2 है, हमें पता है कि 4 और 2 इन दोनों का एलसीएम आएगा 4। कैसे, हम 4 को लिखेंगे 2 × 2, 2 को हम लिखेंगे 2 × 1। तो देखो जो कॉमन नंबर होता है उसको हम एक बार लिखते हैं एलसीएम के लिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2, और बाकी जो नंबर बच जाते हैं उन सबको हम लिख देते हैं, तो 2 × 1। तो ये हो जाएगा 4 × 1 यानी कि 4। तो एलसीएम आ गया 4, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4। तो हम इसका तो एलसीएम 4 ही है, तो हमको इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो एक नंबर तो अपना यही आ जाएगा 1/4। हमें 1/2 को कन्वर्ट करना है 4 की टर्म्स, मतलब एलसीएम को नीचे डिनोमिनेटर में हमको लेकर आना है 4। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब जब भी हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम साथ साथ न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 2। तो ये दो नंबर बन जाएंगे 1/4 और 2/4। इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक जीरो लिख देंगे और यहां पे भी एक जीरो लिख देंगे। सिमिलरली यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो। तो ये दो नंबर बन गए 10/40 और 20/40। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर होंगे, इन दोनों के बीच में होगा 11/40, 12/40, 13/40, 15/40, 16/40 एंड सो ऑन, ऐसे जाएंगे ये 19/40 तक। तो ये सारे नंबर ट्राई करेंगे 1/4 और 1/2 के बीच में। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो,
तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।